तुम्हारी वजह से जो इनका नुकसान हुआ है उसके पैसे दो। आज के बाद तू हंसेगा तो लोग तुझ पे हंसेंगे। ए भाई, होटल के नुकसान के पैसे तो मुझे मिल गए, लेकिन इसके बदले में जोजो का बाप तेरा बहुत नुकसान करेगा। यही तो मैं चाहता हूं। चल चल, उससे मिलते हैं। सुनिए, बहुत दर्द हो रहा है। ये लो $50 इलाज के लिए। कम है शीतल? हाँ, आजकल महंगाई का जमाना है। कोई बात नहीं, ये आप पूरे 500 रख लेंगे, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। ओए मैडम, मैंने आपको जोजो जैसे खतरनाक गुंडे से बचाया, आपके लिए अपनी जान हथेली पे रख के उसके गुंडों से जंग लड़ी, इतना खून बहाया, इतने जख्म खाए, और आप शुक्रिया अदा करने की जगह मेरी इंसल्ट कर रही है। कमाल है, काम लोफर के और बातें सोल्जर की। बिल्कुल। ए, जाके अपनी शक्ल आईने में देखो, बड़ा आया सोल्जर बनने। चल शीतल। और हाँ, ये जो टमेटो सॉस है ना, इसे साफ करना मत भूलना। बड़ी खट्टी है। हेलो। हेलो, कौन? वही जो तुम्हारे दिल की हर एक बात जान लेता है। तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? देखिए, बड़ी मुश्किल से दिल की सारी ताकत जमा करके उंगलियों को दी है ताकि तुम्हारा नंबर डायल कर सके। प्लीज बिना बात के फोन मत बंद करना। ठीक है, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं हमेशा के लिए इंडिया जा रहा हूँ, इसीलिए आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। क्या, तुम हमेशा के लिए इंडिया जा रहे हो? हाँ। यस! तो तुम मुझसे आखिरी बार मिलना चाहते हो ना? हाँ। ऑलराइट, ठीक है, आ जाओ। आ गया। ये क्या बदतमीजी है? वो क्या है कि वक्त बहुत कम है ना, इसलिए एक एक सेकंड बचा रहा हूँ। ठीक है, बोलो क्यों मिलना चाहते हो? ये कार्ड देना था। कार्ड? मेरी शादी का। किस बेचारी लड़की की किस्मत फूट रही है? इसकी। तुम इस लड़की से शादी करोगे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो कुछ करेगी यही करेगी। लेकिन तुम शादी के लिए राजी कैसे हुए? क्या करूं, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? कहानी में बहुत ट्विस्ट है, तुम कहो तो कहीं बैठ के सुनो। ठीक है। प्रीति, बात यह है कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी दोस्त थे, और मेरे पिताजी के पिताजी और इसके पिताजी के पिताजी भी दोस्त थे, और इसके पिताजी के पिताजी ने मेरे पिताजी के पिताजी से मरते समय ये वादा लिया था कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी की दोस्ती 4 पीढ़ी तक चलाने के लिए मेरी शादी इससे करवा देंगे। अब तुम्हें बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? पिताजी को टाल नहीं सकता, पिताजी को टाल नहीं सकती, ये शादी टाल नहीं सकती, ये तो अटल है, बिल्कुल अटल। समझ गई, फैमिली प्रॉब्लम। अच्छा, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? एक प्रेजेंट दे दो। क्या प्रेजेंट चाहिए? अपनी एक हसीन मुस्कुराती हुई शाम दे दो, जिसकी याद आने वाले जिंदगी के अंधेरे में उजाला फैला दे। बोलो मिलोगी ना? ओके। आदमी नशे में कभी झूठ नहीं बोलता। करेक्ट, बोल ही नहीं सकता। तुम्हें याद है वो सिग्नल पर तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से टकरा गई थी? वो टकराई थोड़ी थी, वो तो मैंने जानबूझकर ठोकी थी। हैं? जानबूझकर ठोकी थी? क्या करता, तुमसे दोस्ती जो करनी थी, दोस्ती के लिए मिलना जरूरी था, और मिलने के लिए बहाना जरूरी था, इसलिए और मेरी टेल लाइट डाउन।
लेकिन ये दोस्ती करने का तरीका गलत था। करेक्ट। और वो पैसे देने का तरीका तो बिल्कुल गलत था। वो क्या है कि लव का एक्सपीरियंस नहीं था ना भाई। तो ठीक है। अब एक बात मैं भी तुम्हें बताती हूँ। बोलो। होटल लिटिल इंडिया में मैंने ही तुमको चढ़ाकर जोजो से लड़वाया था। बहुत बुरी बात है। हाँ वो क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं था ना भाई। फिर ठीक है, बैठो बैठो बैठो। हाँ मैंने तुम्हें इतना परेशान किया उसके लिए सॉरी बोला? नहीं बोला। मैंने भी सॉरी बोला? नहीं बोला। चलो हम एक दूसरे को अब भी सॉरी बोलते हैं। सॉरी। एक मिनट, तुम्हारी कंट्री में सॉरी ऐसे नहीं बोलते। तो फिर कैसे बोलते हैं? ऐसे। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं। हैं? अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। चलो हम भी एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। हाँ रेडी? 1 2 3। ठहरो ठहरो, जब दो लोग एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी नाक क्यों नहीं टकराती? अरे यार ये किस गलत टाइम पे नाक अड़ाई है? तुम्हें नहीं मालूम? कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछते हैं। अरे भाई साहब, भाई साहब एक बात बताइए, जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी नाक क्यों नहीं टकराती? अरे कुछ तो बोलो। माफ कीजिए, मैं शहर में नया आया हूँ। कोई बात नहीं, हम किसी समझदार आदमी से पूछते हैं। किथे जाना जी? जाना किथे भी नहीं सरदार जी, सिर्फ एक गल पूछनी है। ओए क्या, 10 पूछो 15 पूछो। जब लड़का लड़की एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी नाक क्यों नहीं टकराती? क्या सोच रहे हो पाजी, ये कोई सरकारी राज थोड़े ही है। ओ सरकार ते सरक गई है। ओ मैं नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा कि मेरे 20 साल हो गए शादी नू, आज तक मैंने अपनी बीवी नू सॉरी नहीं बोलिया। मैनू किसा पता लगेगा कि नक क्यों नहीं टकरांदी? और मेरी गल मनो, और तुसी दोनों जड़े है ना, आप अभी सॉरी बोल के देख लो, फिर पता चल जाएगा नक क्यों नहीं टकरांदी। मैं भी आज घर जाके बीवी नू बोलांगा सॉरी, और देखांगा नक किथे टकरांदी है। ए फिर गड्डी उठ ही जांदी है। थैंक यू। क्या समझदारी की बात कही है इन्होंने। चलो हम भी एक दूसरे को सॉरी बोल के देखते हैं। ओके। ठहरो, तुम मुझसे सॉरी कैसे बोल सकते हो? क्यों? इसलिए कि सॉरी उसी को बोलते हैं जिससे शादी करते हैं। मैं भी तो उसी को सॉरी बोल रहा हूँ जिससे शादी करूंगा। यकीन नहीं आता तो कार्ड देख लो। I love you, Preity. अरे कहाँ गया? जिसकी आंखों में तुम समा चुकी हो वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? फिर भी अगर तुम्हें मेरा प्यार मंजूर नहीं तो इसे फाड़ कर चली जाना। मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा, और अगर नहीं तो आंखें बंद करके दिल में कहना आई लव यू। मैं फिर सामने आ जाऊंगा लोफर। लोफर सोल्जर। और अगर नहीं तो आंखें बंद करके दिल में कहना आई लव यू। मैं फिर सामने आ जाऊंगा।
I love you. प्रीति, क्या तुम भी वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ? तो फिर सोचना क्या, चलो अंदर जाके हम भी शादी कर लेते हैं। इसके लिए तुम्हें मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ है वो? हेलो हेलो माय डार्लिंग बेटा, हाउ आर यू? मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। उसी हैंडसम यंग मैन का ना जो इस वक्त तुम्हारे साथ है। कमाल है पापा, आपको कैसे पता चला? हमें तो ये भी मालूम है कि इस वक्त उसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। एक अच्छे पापा की तरह हम तुम्हारी हर खबर रखते हैं, किससे मिल रही हो, कहाँ जा रही हो और कौन तुमसे मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम आ कब रही हो? आज ही पापा। आई लव यू। आई लव यू टू। आओ प्रताप, आओ। कैसे हो? एकदम फिट। और तुम बलदेव? हमरा का है जी, हमारे भैया सलामत रहें, हम तो फिट ही फिट हैं। आइए आइए, कहो काहे मिलना चाहते थे? एक बुरी खबर है। अरे हम जानता हूँ जी, आप यही कहना चाहते हो ना कि जसवंत मर चुका है? नहीं, उससे भी ज्यादा बुरी खबर है। रिपोर्ट मिली है कि उसे खत्म करवाने वाला डीके है। डीके? बिल्कुल गलत है जी। डीके साहब अपने 25 साल पुराने पार्टनर को कभी नहीं मार सकते। डीके दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो मान भी लिया कि डीके साहब ने मरवाया, तब भी बहुत अच्छा किया। अगर वो जसवंत जिंदा पकड़ा जाता तो पुलिस उसे मार मार के सब उगलवा लेती और फिर हमें हथकड़ियां पहना कर ले जाती इंडिया। ये लो। समझने की कोशिश करो वीरेन, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम दोनों को भी खत्म करवा दे। अरे हमें खत्म करा देगा तो अमेरिका और यूरोप से हथियार जमा करके उसे इंडिया में कौन सप्लाई करेगा, उसका बाप? मेरी बात मानो वीरेन, डीके के इरादे शुरू से ही ठीक नहीं थे, इसलिए तो उसने हमें आज तक अपना पता नहीं बताया। वो जब चाहे हम तक पहुंच सकता है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच सकते। तो तुम क्या चाहते हो, हम क्या करें? इससे पहले कि वो वार करे, हमें डीके को खत्म कर देना चाहिए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हम चार पार्टनर थे, जसवंत मारा गया बचे तीन, डीके को हम मारेंगे बचे दो, फिर तुम हमारी जान ले लोगे बचे तुम। अरे हमका भवानी गांव का भैया समझा है काजी, फूट डालकर पूरा ऑर्गेनाइजेशन हड़पना चाहते हो? इरादे डीके साहब के नहीं, हमका तुमरे अच्छे नहीं लग रहे हैं। जबान संभाल वरना। प्रताप बाबू अपना हाथ संभालिए, अगर उंगलियां ट्रिगर पर गईं तो उंगलियां ढूंढते रह जाओगे। हम जसवंत नहीं हूं प्रताप सिंह, एक तो इतनी आसानी से मरूंगा नहीं, और अगर मर भी गया तो पुलिस डिपार्टमेंट की एक फाइल या अखबार की खबर नहीं बनूंगा। अगर तुमरे पास हमरे कामों की फाइल है तो हमरे पास भी तुमरे कामों की फाइल है, हमरे मरती हुई फाइल पुलिस में पहुंच जाएगी। क्या बात है जी, हथियार देख के टून बदल दिए, रोने की जगह हंस रहे हैं। भाई मान गए दोस्त, मान गए तुम्हें। हमने डीके को मारने की बात इसलिए कही क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि कहीं जसवंत को मारने में तुम्हारा हाथ तो नहीं। अगर उसे मारने में तुम्हारा हाथ होता तो तुम मेरी बात जरूर मान लेते। तो कहो कहां नतीजे पर पहुंचे हो? यही कि तुम नहीं बदले दोस्त, वही 20 साल पुराने दोस्तों के दोस्त हो। हम तीन पार्टनर्स को कोई अलग नहीं कर सकता सिवाय मौत के। हाँ सिवाय मौत के। विकी वो आइलैंड देख रहे हो ना, वो पापा ने मेरे पिछले बर्थडे पर खरीदा था, और वो देखो वो वाला आइलैंड, वो सबसे पहले बर्थडे पर लिया था। अच्छा इसका मतलब तुम्हारे पापा हर बर्थडे पर एक नया आइलैंड खरीद डालते हैं? हाँ, और वो भी मेरे नाम पर। ये बात किसी और से कभी मत कहना। क्यों? तुम्हारी उम्र मालूम हो जाएगी। विकी वो देखो, वो रहे मेरे पापा।
Come, my darling, come, Hi, come, Papa. come. पापा ये है विकी. Wow! बिना बताए आपको विकी का नाम भी मालूम पड़ गया. जब ये मीरो दूर से मेरे कपड़ों का रंग जान सकते हैं तो नाम भी जान सकते हैं. बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ नाम ही नहीं काम भी देखा जाता है. पापा ये जो भी काम करते हैं कमाल का करते हैं. अच्छा तो फिर इनका कमाल भी देख लेते हैं. बेटी तुम जरा अंदर जाओ, मुझे कुछ इनसे काम की बात करनी है. ओके. हाँ तो विकी पहले ये बताओ जसवंत को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें किसने दिया था. तो आप मेरे काम के बारे में भी जानते हैं. खैर अब मेरे उसूल के बारे में भी जान लीजिए. मैं कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त पैसा देखता हूँ, पैसे देने वाले को नहीं. तब तो तुमने उसे भी नहीं देखा होगा जिसने तुम्हें मेरी बेटी के साथ मोहब्बत का खेल खेलने का कॉन्ट्रैक्ट दिया. प्रताप साहब मैं कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ खून करने का लेता हूँ, मोहब्बत के खेल खेलने का नहीं. प्रीति और मेरा प्यार कोई खेल नहीं. चलो ये मान भी लिया जाए फिर भी कोई बाप ऐसे आदमी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा जिसके हाथ खून से रंगे हों. अगर मेरे हाथ खून से रंगे हैं तो आपके कौन से दूध के धुले हैं. मैं भी आपकी असलियत जानता हूँ, हम दोनों की बिरादरी एक ही है. बिरादरी एक जरूर है लेकिन हैसियत नहीं. जिस बिजनेस में तुम किराए के एक टट्टू हो उस बिजनेस का मैं शेर हूं. मेरी बेटी के साथ आए हो इसलिए यहां तक पहुंच सके हो, वरना मेरी हिफाजत करने वाले मेरे ये कुत्ते तुम्हारी हड्डियां भी मुझ तक नहीं पहुंचने देते. पहली बार देख रहा हूं कि शेर की हिफाजत कुत्ते करते हैं. मेरी दो बातें सुनिए. आज के जमाने में शेर सिर्फ दो ही जगह हिफाजत से रह सकते हैं, एक सर्कस में और दूसरा चिड़ियाघर में. और दूसरी बात हैसियत की, तो मेरी हैसियत वो है कि मैं आपको उस जगह पर पहुंचा सकता हूं जिसका ख्वाब तो आप 20 साल से देख रहे हैं लेकिन उस तक कभी पहुंच नहीं सकते. मतलब हेलो. देखा मैंने अपने दो दांत के बदले में तेरा क्या क्या तोड़ा. अबे ओ पोमेरियन पिल्ले फोन अपने बाप बुलडॉग को दे. डैड क्या हुआ. हमको पोमेरियन पिल्ला बोलता है. और हमका बुलडॉग. हैं बुलडॉग बोला हमका दे फोन. कहा रे हमारा कुत्ता का फैमिली है. अरे तुम हमको मिला नहीं वरना हम तुमको भी तोड़वा फोड़वा कर फेंकवा देते. तुम बिलीव नहीं करेगा हम बहुत हरामी हूँ. जब तुम हमसे मिलेगा ना तुम नर्वस आ जाएगा. हमारा कुत्तों का नहीं टाइगर का फैमिली है. हम लोग भौंकते नहीं हैं, काटते हैं, लोगों को कच्चा खा जाते हैं. अबे डर गया क्या. बोलता का ही नहीं है. हेलो अबे सुनाई देता है कि नहीं. अरे हम अपने आप से नहीं बात कर रहा हूँ भाई तुमसे बात कर रहा हूँ. कमाल है हम इतनी देर से बक बक कर रहा हूँ. अरे भाई हम पागल नहीं हूँ कुछ तो बोलो. टोटल 8,500 प्लस 100% टैक्स. का बोला. कुल मिलाकर 17,000 राउंड फिगर 20,000. अबे तू किस फिगर को राउंड और स्क्वायर कर रहा है. ये उस तोड़फोड़ की फिगर है जो तुम्हारा बेटा मेरे घर पर करके गया है. तो तू हमसे रुपया लेगा. रुपए नहीं डॉलर. और सुनो 3:55 पर मेरा बिल तुम्हारे पास पहुंचेगा. ठीक 4 बजे मैं कैश लेने आऊंगा और 4:05 पर चला जाऊंगा. लेन देन का वक्त सिर्फ 10 मिनट का होगा और उस 10 मिनट को तुम बहुत सीरियसली लेना समझे. क्या हुआ डैड. अरे कुछ नहीं बकवास कर रहा है वो. कहता है 3:55 पर बिल भेजेगा, 10 मिनट में पैसा लेकर चला जाएगा. जैसे हम यहाँ पैसा देने के लिए बैठे हैं. गधे हैं हम. अरे हाँ सुनो ए भाई वो हथियार खरीदने वाले आ गए होंगे जरा उनको यहाँ ले आओ कुछ काम वाम करें. जेंटलमैन हमारे पास मशीन गन है
मौजर, AK-47, AK-56, AK-98, जो अभी तक फैक्ट्री से बाहर नहीं निकली है, आप बिलीव नहीं करेंगे, सबके 2-2 लाख पीसेस हैं। आपको जितनी गन्स चाहिए, वी विल सेंड यू। नेक्स्ट, ये पाइप गन है। पाइप गन यानी कि नल्ली गन। ये नल्ली फोड़ देती है। हर पाइप गन के आर्डर पर 1 दर्जन हमाम साबुन फ्री मिलेगा। हमाम। अब इन्हें जरा हमारा बम सेक्शन तो दिखाओ। Wow, good idea to display bomb. अच्छा तरीका है बम का प्रचार करने का। Thank you. Dad. Yes. 355. 355. This is असली बम. This is real bomb. Run! 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 Run!